पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी सरकार है उसने ग्रामीण निकायों को लंबित बिजली बिलों का भुगतान करने का निर्देश दिया है। और इसमें खास बात क्या है कि ये जो बिल भुगतान करने का निर्देश दिया है वो उस पैसे से दिया है जिसका नहीं किया जा सकता इस्तेमाल। राज्य सरकार ने ग्रामीण निकायों को आदेश दिया है कि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से 450 करोड़ रुपए का बिजली बिल का भुगतान कर दें। संवैधानिक निकाय द्वारा यानी वित्त आयोग द्वारा दिया गया धन मुख्य रूप से संपत्ति के निर्माण के लिए होता है, बिजली बिल के भुगतान के लिए नहीं। ग्रामीण निकायों को पहली बार बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए यह धन खर्च करने के लिए कहा गया। स्थानीय निकाय बिजली बिलों के भुगतान सहित प्रशासनिक लागतों के लिए इस राशि का सिर्फ 10% तक ही खर्च कर सकते हैं, बाकी 90% निर्माण कार्य के लिए खर्च होता है। राज्य की ममता बनर्जी सरकार के इस फैसले से यही पता चलता है कि सरकारी खजाने का बुरा हाल है, खस्ता हाल है। ममता बनर्जी सरकार में पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है, इसीलिए भुगतान का ये संकट पैदा हुआ है। पहले भी कई मौकों पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने खजाना खाली होने की बात कही है। तो ममता क्या टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार की जो फ्रीबी वाली राजनीति है वही इसके लिए जिम्मेदार है, इस बुरा हाल के लिए? सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाली फ्रीबी की राजनीति कर रही है अर्थव्यवस्था का बंटाधार? तो ये सवाल उठ रहे हैं। और इस पर भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ममता सरकार में पश्चिम बंगाल का लोन आउटस्टैंडिंग 3 गुना बढ़ गया है। जब ममता जी की सरकार 2011 में बंगाल में टीएमसी बागडोर संभलाया है, बागडोर मिला है उसको जनता का आशीर्वाद में, तो बाम मोर्चा का सरकार बंगाल में करीब करीब लोन आउटस्टैंडिंग था 2 लाख करोड़ की आसपास। अभी बंगाल में लोन आउटस्टैंडिंग हो गया 6 लाख करोड़ की आसपास, 3 गुना एनहेंसमेंट कर दिया ममता जी की सरकार। तो ये पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी ने यह बात कही है कि किस तरह से ये मामला बढ़ा है, 3 गुना लोन जो है आउटस्टैंडिंग हो गया है, यानी कि राज्य की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। और क्या उसी का नमूना है कि ये जो बिजली बिल वित्त आयोग के पैसे से देने के लिए ग्रामीण निकायों को बोला गया है? हमारे साथ प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। दादा, क्या अभी जो डेटा के साथ शुभेंदु अधिकारी बता रहे थे और साथ ही जिस तरह से कि ये पहला मामला है कि वित्त आयोग ने जो पैसा दिया है उससे कह रहे हैं बिजली बिल का भुगतान कर दो, इसका मतलब जिन मुद्दों पर दादा हम आपके साथ कई बार बात कर चुके हैं कि खजाना तो सही में पश्चिम बंगाल का खस्ता हाल है। बिल्कुल लालचंद, कल अगर आप या हमें चीफ मिनिस्टर बना दे या बनाने के लिए कोई आमंत्रण करे तो हम तो बिल्कुल उस चेयर पे बैठेंगे नहीं, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो वैसे ही अपने फैमिली का जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा है, इतने लाख करोड़ का जिम्मेदारी हम कैसे ले। बात तो ये है लालचंद कि 450 करोड़ का बिजली बिल, आप लालचंद ये समझिए कि कितने सालों से ये बिजली बिल पंचायत दफ्तर की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, कितने सालों से। 450 करोड़ तो एक दिन में बना नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि बिजली विभाग राज्य सरकार का ही है जी, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और उसी राज्य सरकार ने दूसरे एक राज्य सरकार के दफ्तर पंचायत को ये चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर हो गए कि आप ये बिजली बिल जैसे भी हो इसका भुगतान करें। तो आप सरकार की हाल समझ लीजिए कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के पास 450 करोड़ रुपया की उधारी रखते हैं, और वो 450 करोड़ के कारण बिजली विभाग की जो कर्मचारी है, ये बाकी जो डे टू डे का काम है वो ठप होने जा रहा है,
और ये किस तरह से बिजली विभाग इसको भुगतान करेगा इसके बारे में उसके पास कोई अंदाजा नहीं है। तो मतलब ये इधर का माल उधर, उधर का माल इधर करके ये जो फ्रीबीज का चक्कर पिछले 2011 से ममता बनर्जी चालू रखे है और सारे की सारे केंद्रीय सरकार की जितने सारे प्रोजेक्ट की पैसा है सारे की सारे फ्रीबीज में लगाया गया, चाहे वो क्लब को सालों में 2 लाख रुपया करके देना, लक्ष्मी भंडार करना या कन्याश्री करना। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप टैक्स उठा सकते हो, अगर आपका जीएसटी कलेक्शन प्रॉपर है जिसका हिस्सेदारी आपको केंद्र से मिलता है तो आप कुछ भी करिए। लेकिन दूसरे डेवलपमेंट की पैसा उसको लेकर आप इस तरह की पॉलिटिकल फंडिंग करते रहे तो उसका नतीजा ये है, आज एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को पैसा देने के लिए, भुगतान करने के लिए चिट्ठी लिख रहा है लालचंद। बिल्कुल। और दादा, जिस तरह से ममता बनर्जी का इसके पहले भी बयान आया था जब कर्मचारियों ने हड़ताल किया था अपने वेतन को बढ़ाने के लिए, तो ममता बनर्जी ने जवाब दिया था कि मेरा सर काट लो लेकिन हम पैसा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास खजाना है ही नहीं। तो ये उसके बाद फिर ये घटना, इससे ये लगता तो यही है कि अब सरकार को एहसास हो रहा होगा कि जो फ्रीबी वाली राजनीति सरकार ने पिछले वर्षों में की है उसका नतीजा है। और वही शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि 3 गुना लोन आउटस्टैंडिंग बढ़ गया है। 3 गुना लगान जैसे 3 गुना लोन लोन जी बिल्कुल आपको याद होगा वो फिल्म सिनेमा। मैं बताऊं, कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले लालचंद आपके साथ या निखिल के साथ हम बात कर रहे थे कि तनख्वाह देने के लिए 5,000 करोड़ रुपया की बॉन्ड बेच रहा है इस बार सरकार ने। इसका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में निकल चुका है, तनख्वाह देने के लिए अपने स्टेट गवर्नमेंट की। डीए तो दूर की बात है, वो तो 41,000 करोड़ है। तनख्वाह देने के लिए 5,000 करोड़ रुपया हर महीना, 2,500 करोड़ रुपया बॉन्ड बेच के सरकार को तनख्वाह देना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब ये सब जब लोगों के सामने आ गया, खासतौर से डीडी न्यूज में बार बार इस फिनेंशियल सिचुएशन के बारे में हम लोग स्टोरी दिखाने के बाद 29 तारीख सुबह या दोपहर का 12 बजे से केंद्र सरकार की, जो बंगला में कहते हैं वंचना, मतलब केंद्रीय सरकार पैसा नहीं दे रही है, इस विरोध में धरना पे बैठ रही है ममता बनर्जी। ये जो लोगों की धन भटकने के लिए जो कोशिश उनकी तरफ से है, और दिल्ली में उनकी जो सांसद है वो भी धरने पे बैठेंगे। तो आखिर तक इस जगह पर आ गया कि चीफ मिनिस्टर जो अपने लोगों को पैसा नहीं दे पा रही है वो एक झूठे आरोप के ऊपर कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं भेज रहा है, इसके ऊपर कोलकाता में अंबेडकर की स्टैचू के नीचे शनिवार 29 तारीख दोपहर 12 बजे से 30 तारीख शाम को 6 बजे तक वो बैठे रहेंगे, एक झूठा और एक पूरी तरह से गलत आरोप को लेकर। तो पब्लिसिटी तो ठीक है, पब्लिसिटी तो वो करने की कोशिश करेंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन ये बताइए कि ये जो वित्त आयोग का पैसा है, नियम प्रावधान क्या कहते हैं दादा, क्या इससे बिजली बिल का भुगतान हो सकता है क्या, जो वित्त आयोग के द्वारा दी गई धनराशि है उससे? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी के लिए, किसी काम के लिए भेजा जाता है, ये सिर्फ बंगाल के लिए नहीं है, हर एक प्रदेश में जो ये पैसा दिया भेजा जाता है वित्त आयोग की, ये किसी एक प्रोजेक्ट के लिए और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। और इसीलिए ना शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है ऐसे ऐसे जगह से फंड डाइवर्ट किया है, जो आपको पता होगा कि इसके बारे में भी हमने बात किया है कि हाईकोर्ट के सामने एक पीआईएल पेंडिंग है जिसमें 2,31,000 करोड़ का हिसाब पिछले 10 सालों से या 3-4 सालों से दिया नहीं है। तो मतलब कहां से किस तरह से फंड को, जैसे बोगटुई में, आपको बता दूं बोगटुई में जिन लोगों को, माने तृणमूल कांग्रेस की, जिन लोगों को तृणमूल कांग्रेस की ही लोगों ने जिंदा जलाकर मार दिए थे, और 3-4 दिन बाद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जाके उन लोगों को 2-5 लाख रुपया करके कुछ दिया था, वो किसी डेवलपमेंट मिड डे या किसी ऐसा डेवलपमेंटल फंड से पैसा डाइवर्ट करके उन लोगों को चेक दिया गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी ऑडिट में, किसी भी देश चलाने के सिस्टम में, किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर में यह हो ही नहीं सकता। जहां से भी हो मर्जी फंड डाइवर्ट करके ममता बनर्जी अपना हिसाब से, उन्होंने वैसे ही
फर्स्ट टर्म में बात करते हैं कि मैं दे रहा हूं माने जिसको अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में वो किसी भी जगह का फंड, जैसे ये जो फंड है ये अपने फंड समझ के ये करते रहते हैं और एसडीओ और बीडीओ के ऊपर दबाव डालते हैं चेक बनाने के लिए। और इसी तरह से बंगाल की जो बदहाली है अपने फिनेंस का, ये आज उसका स्थिति पूरे सामने है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर धरने पे बैठने के लिए मजबूर है। कम से कम सामने पंचायत चुनाव है, लोगों की ध्यान हटा के उनकी इस धरने पे आ जाए। लालचंद जी, तो जिस तरह ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं ध्यान बटाने की, तो मुख्य अपोजिशन, मेन अपोजिशन के तौर पर बीजेपी की भी कोशिश रहेगी कि वो इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को और टीएमसी सरकार को एक्सपोज करती रहेगी। और उसी के तहत हमने देखा आज शुभेंदु अधिकारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। लालचंद, इसीलिए 29 तारीख को बीजेपी ने भी, हमारे यहाँ पे एक जगह है जिसको हम कहते हैं शाम बाजार, आप काफी फेमस एक स्कल्पचर देखे होंगे जहां पे घोड़े के ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आर्मी जेस्चर में, अपनी आर्मी यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, इस तरह की एक स्कल्पचर शैम बाजार की जगह है वो। तो उस शैम बाजार 5 रोड क्रॉसिंग में उस दिन पूरे बंगाल की जो बीजेपी है उसकी तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ममता बनर्जी का इस झूठे धरना के खिलाफ। और इसी बात को आज दिल्ली में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, इस तरह से पूरे देश में बात को फैलाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है कि जो बात ममता बनर्जी की तरफ से बताया जा रहा है वो हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि किसी भी दिन बंगाल की हेल्थ सिस्टम बैठ जा सकता है, बंगाल की कर्मचारियों का जो तनखा है वो ना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बंगाल में। अगर किसी ने जितने आपको आपको पता है कि जितने आप लोन लेते जाओगे उतना ही लोन लेने की जो आपका क्रेडिबिलिटी है वो कम होता जाएगा, मतलब आगे जाके कम होता जाएगा, क्योंकि आप लोन वापस नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ लोन ले रहे हो। तो बीजेपी इसकी इस मुद्दे को लेकर पंचायत चुनाव में भी और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पूरे बंगाल में और पूरे देश में इसको लेकर एक एक कैंपेन की तरफ से रूप से इसको देखने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन अर्थव्यवस्था की बात करें तो कहा जा सकता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जिस तरह से राज्य को चलाया गया है आज उसी का अंजाम दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जोड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। और वक्त आ गया है देश हित का, और देश हित में